डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा तालुका चितापुर में मौजूद बसवेश्वर स्टैचू पर कुछ सरपसंद लोगों ने भगवा कपड़ा बांधकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। बसवेश्वर हमेशा हर जात और धर्म के लोगों को साथ लेकर चलते थे और आज कुछ लोग बसवेश्वर के मुंह पर भगवा कपड़ा बांधकर उनका अपमान किया है। इस हरकत के बाद चितापुर में बसवेश्वर के चाहने वाले स्टैचू के पास जमा होकर गुस्सा जाहिर करते हुए जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की है। और इसके अलावा गुलबर्गा शहर में भी जगातिक लिंगायत महासभा ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदार एहतजाज कर जल्द एक्शन लेने का मुतालबा किया है। चितापुर पुलिस ने भीड़ को जमा होता देख एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। चितापुर MLA प्रियंक करगे ने भी SP मैडम ईशा पंत से बात कर इस हादसे के असल जिम्मेदार को गिरफ्तार करने के डिमांड किया। परमेश्वर शटकर, जागतिक लिंगायत महासभा से हूँ और JJBS का सेक्रेटरी भी हूँ। इस मौके पर मैं ये आपके मुखांतर आपके जरिए से मैं कहना चाहता हूँ कि चितापुर गुलबर्गा जिला के चितापुर में जो बसवेश्वर का मूर्ति है उस पर कुछ लोगों ने अवमान किया है। मतलब वो उनके ऊपर जो काले कलर का कपड़ा बांध के और केसरी कलर का कपड़ा बांध के जो है ना बसवेश्वर को अवमान किया है। बसवेश्वर एक ऐसा इंसान है जो हर कौम के इंसान हर कौम के लोगों को वो ज़रूरत है। वो संविधान का रचना करता है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर है, बसवेश्वर है, बुद्ध है। ये तीनों लोग पूरे विश्व का विश्व मानव है। इन महान व्यक्तियों को कोई भी ऐसा ये करने हरकत करने का ज़रूरत नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी के भी दुश्मन नहीं है और ये सबको चाहने वाले हैं। ये एक हमारे दुरादृष्ट है स्वतंत्र भारत में ऐसे लोगों को अभी भी स्वतंत्र मिलके इतने साल होने के बाद भी ऐसे लोगों को इस तरीके से अवमान करते बोले तो हमें शर्म आना चाहिए। हम किस समाज में जी रहे हैं आज। बसवण्णा सबको समानते समान सब इक्वालिटी बताई सो शरण है वो उनके उनको अवमान करते बोले तो ये हमारे स्वतंत्र भारत में ये अच्छी बात नहीं है और अच्छा डेवलपमेंट भी नहीं है। ये आपके ज़रिए मैं सरकार को मनवी करता हूँ कि बसवराज बोम्मई सर ये जो भी काम करे सो है जो भी हरकत ये लोग करे है उसको पनिशमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा जो काम करा है उसके पीछे का हाथ क्या है। अभी कौन सा भी बच्चे करा दो कोई भी करन दो लेकिन उसके पीछे का हाथ जो है वो किसका हाथ है वो प्लीज़ उसको पनिशमेंट होना चाहिए। उसको ऐसा ही खुला मत छोड़ना चाहिए। इसको छोड़े तो ये हमारा विश्वगुरु बसवण्णा को अवमान करे सर का होता है। मेहरबानी करके आप वो लोगों के ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। इवत्तिन दिवस जागतिक लिंगायत महासभा ಎಲ್ಲ ಬಸವಾದಿ ಶರಣ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮಹಾಸಭಾ ಕಠೋರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ವಿಶ್ವ ಮಾನವನಾದಂಥ ಬಸವಣ್ಣನು ಅವನ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು। ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಗಲಭೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂಥ ಕೈವಾಡನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಕೃತವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹುಡಿಸಂಥ ಇಂಥ ಸಮಾಜದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಈಗ ಮುಖಾಂತರ DC ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ್ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಯಾರು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು। ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು, ಗೌರವವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗ್ತದಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ